नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास सोल्यूशन है, आज हम इस सोल्यूशन के आपको इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी एक्सटर्नल डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं इस लोशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है कैंडी क्लेम लोशन। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कैंडी क्लेम। तो दोस्तों, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जैसे कि आपने इसे फोटो में देख रहे हैं, तो ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है। और ये जैनिक और इथिकल में भी आ जाता है, क्योंकि जैनिक जो होता है दोस्तों वो अपने सॉल्ट नेम से सिर्फ मिलेगा आपको, और जो जो ब्रांड नेम से मिलता है वो कंपनी अपना ब्रांड नेम देती है उसे, 75 ml में होता है, जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों इसके बारे में, क्लीम एंड स्किन, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्किन के लिए होता है, मतलब स्किन पे इसे बाहर से अप्लाई करना होता है गर्मियों में, ताकि आपकी त्वचा को सॉफ्ट और मुलायम बनाए। मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि ये कुछ सामग्रियों से बना होता है, मतलब इसमें तरह तरह के तेल ऑयल होते हैं, त्वचा को मुलायम करता है, स्किन होती है उसको साफ भी करता है, मतलब कलर को निखारता है रूप से दोस्तों, चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है, मतलब उसे सॉफ्ट मतलब मुलायम एकदम स्किन को सॉफ्ट रखता है। आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। ये हनी हर्बर सामग्री त्वचा को चिकना, शांत और ताज़ा करती है, जो ताज़ा करने में मदद करती है आपकी त्वचा को दोस्तों। सामग्री है जो कंटेन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अन्य हर्बल जो सामग्री होती है वो त्वचा को आपको मुलायम और सॉफ्ट बनाती है। ये आपकी ये जो नंबर दो, जो आपकी त्वचा पे जैसे काले दाने हो जाते हैं, कील, मुहासे, फुंसी होती है उस कंडीशन में, उसको भी ये दूर करता है। स्किन का रंग ब्लैक होने लगता है, कील मुहासे हो जाते हैं जैसे चेहरे पे, उसे भी ये साफ़ करता है। स्किन पे कहीं भी हो जाते हैं आपके, तो उसको हटाने में ये आपकी मदद करता है बहुत अच्छी। और नंबर तीन, जो ये स्किन को प्योरीफाई मतलब करने में मदद करता है, जो स्किन तो त्वचा की शिकायत होती है उसको भी ये ख़त्म करता है, मुलायम बनाता है, सॉफ्ट रखता है। और दोस्तों, ये जो लोशन है दोस्तों, ये त्वचा को आपकी मतलब साफ करने में और त्वचा को मतलब क्लीन करने में मदद बहुत करता है दोस्तों। और इसके साथ में जो है, आपको कभी भी मतलब साबुन का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट के साथ में आप साबुन इसके साथ में यूज़ करें, कि आपको कौन सा साबुन यूज़ करना है नहाने के लिए। अगर आप कोई साधारण साबुन से नहाते हैं तो आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, डैंड्रफ होने लगता है, तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप साबुन से नहाएं इसके साथ में लोशन के, तो आपकी त्वचा काफ़ी क्लीन हो जाएगी। ये आयुर्वेदिक के रूप में, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो इसको एक आयुर्वेदिक मतलब श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि दोस्तों, नंबर एक, इसे कभी भी आप जले हुए पे ना लगाएं, जैसे आपकी स्किन जल जाती है तो वहाँ पे ना लगाएं, या आपके घाव हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो वहाँ पे ना लगाएं। अगर इन चीज़ों पे आप लगाते हैं तो आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये एक्सटर्नल लगाना होता है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते, सिर्फ जले पे कटे पे इसको ना लगाएं, अदरवाइज़ इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते। स्किन पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सावधानियाँ होती हैं, कि दोस्तों इसे जब भी आप लगाएं, तो इसे रात में सोते टाइम लगाएं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धूप से बच के रहें, सनलाइट से। और जो गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला होती है, वो भी इसको लगा सकती है, या कोई हार्ट के, लीवर, किडनी के पेशेंट होते हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसको नॉर्मल सी बात है कि बाहर से लगाना होता है, बाहर से अप्लाई करना होता है स्किन पर, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। और इसके साथ में जैसे कि अल्कोहल होती है, शराब होती है, या आप इसके साथ में कर सकते हैं। और खाना जो दोस्तों होता है, तेल, चिकनाई का आपको परहेज करना होता है, तो काफ़ी अच्छा आपकी स्किन सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी। और इसे आप दोस्तों का जो होता है, ये माइंड पे कोई कार्य नहीं करता, मतलब साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज़ नहीं लेते। आपको यूज़ बता देता हूँ दोस्तों इसका, जो खास करके जो ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, वो गर्मियों के दिनों में इसका ज़्यादा यूज़ लिया जाता है इस लोशन का, क्योंकि दोस्तों ये एक मतलब आयुर्वेदिक है। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज़ लिया जाता है, त्वचा को सॉफ्ट रखने के लिए, मुलायम रखने के लिए बनाया जाता है, लिया जाता है। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि जैसे आपके चेहरे पे कील, मुहासे हो जाते हैं, या झाइयाँ मतलब थोड़ी हो जाती हैं, कालापन पड़ जाता है
काले निशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में या कहीं मतलब जैसे आपके दाने निकल जाते हैं पिंपल्स, तो वहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है। आपको इसका चलते चलते आपको बता देता हूँ, इसकी जो MRP दोस्तों मिलती है आपको इसकी मार्केट में मिल जाता है ये 130 रुपये के समथिंग मिल जाता है। MRP इसकी घटती रहती रहती है। लिखा है इन लोगों ने कि फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी इसे सिर्फ बाहर से ही लगाना, अप्लाई करना होता है स्किन पे। और कुछ जो इसका इसे दिखा देता हूँ मैं आपको, किस कंडीशन का लोशन देखने को मिलता है। जैसे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कलर होता है, गुलाबी कलर का ये आपको मिल जाता है। मतलब अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग कलर में इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है सिर्फ स्किन के लिए ही इसका यूज़ लिया जाता है, और ये डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाता है, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिलता है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। सिर्फ ये स्किन के लिए ही इसका यूज़ लिया जाता है। त्वचा को मतलब ये मुलायम सॉफ्ट बनाता है, और जो पिंपल्स होते हैं काले निशान होते हैं उनको भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो स्किन को बिल्कुल ये सॉफ्ट रखता है। और दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, जैसे मैंने बताया आपको, दिन में 3 बार इसे लगा सकते हैं, और कम समस्या होने पे इसे दिन में 1 बार भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस लोशन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।